जय माता जी, राम राम, सीताराम। हमारी बुरी आज पैरों पर खड़ी तो हुई है, लेकिन है तो पिंजरे में, है तो पिंजरे में। इसको फ्रूट भी खिलाते हैं, यह ना फ्रूट भी खिलाते हैं, वो खाती है, और ये खांड भी दिया हुआ है और सींग का पाला, ये फ्रूट खा रही है। इसके लिए फ्रूट लाता है तो वही खाती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं खाती। देखो ये फ्रूट है, वही 1-2 केजी खाती है, ज़्यादा तो नहीं, 5, लेकिन उसका पैरों पे खड़ी है। ये तो पिंजरे में, लेकिन वो छोटा मोटा खाती है, ज़्यादा खाना नहीं खा रही, यही तकलीफ है सबसे बड़ी। देखो ये छोटा छोटा खा रही है, ये फ्रूट ही खा रही है। और ये खाण नहीं खाती ना, वो सबसे बड़ी तकलीफ, क्योंकि जो ये खाएगी ना तो ही ये जिंदा रह सकती है और ताकत आ सकती है। इसमें बाजरी है, सने है, सब कुछ है, इसमें गुड़ भी डाला हुआ है, सिंह का तेल भी डाला है, लेकिन वो नहीं खाती, वही तकलीफ है। मेरे हिसाब से 15 दिन से ऐसे ही है, और गुड़ वाला पानी पीती है, और इसमें सिंह है, तो सिंह भी खिलाते हैं इसको, वो ज़्यादा नहीं खाती। अरे और दो ये खाएगी ना तो ही ताकत मिलेगी। इसको थोड़ा आशीर्वाद भी देना, क्योंकि इसको आशीर्वाद भी देना, कैसे भी करको हमारे तो उसकी कोशिश है खड़ा करने की, लेकिन वो जब तक ज़्यादा नहीं खाएगी तब तक नहीं आगे बढ़ेगी। आज चारों पैरों पे खड़ी है पिंजरा इसमें, पर लेकिन ये खुला ही पड़ा हुआ है पिंजरा, तो रखा है पटाखियों के गिर जाएगी, इसलिए ये खड़ी है। जितनी खड़ी रहेगी ना तो उसका पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे घर आई है तब से कभी उसको ये खाण तो बंद ही नहीं किया है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खा रही है, वो तकलीफ है सबसे बड़ी। ये सिंग उसको खिलाते हैं सीधी, वो भी ज़्यादा नहीं खा रही है। आज हमारी पूरी पिंजरा वगैरह एकली हलती थी, यह ना कि कम से कम 10-15 दी बैठी, और एकली एकली पिंजरा में आज छूटी था, तो मैं मान्यता पण जबरदस्त करी कि भूरी हमारी हाजी थे जाए, हालती थे जाए तो लई जाए हूँ यहाँ, पण हाइला देवी लोटकी थी जाए ना ते दीवार आपणे एना बछला ना आवे तो कहीं ने दो, एनी दीकरी बाजू में उभी मारी भवानी, एने भवानी पण एनी माँ ने बाजू में आवीने उभी। आज अमारी पूरी हालती थई गई, जो एक वार बेहीने उभी थई जाए ना तो काम थई जाय, बेस्ट गाय। बीजी गायो जी छे पण तकलीफ न्या के एकली रहीने खाय नहीं, हवे एम लागे छे के हाजी थई जाय। જબરદસ્ત, હા મહાકાલ બોલાવજે, મેં ઉપડ્યું ન્યો ઉપડ, હાલ 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 ન્યા થો હાલ હલાઈ સીતુ, હાલો શેઠી, હાલો 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 વિની, હાલો
सबका आशीर्वाद और भगवान की दया है कि ये खड़ी हो जाएगी तो ये दुनिया की माँ है। और हमारे काकरेज जो ये चल भी रही है, आहिस्ते आहिस्ते चल रही है, हो सकता है तो ये इसको जो भी खाना है वो खिलाएंगे। ये फ्रूट भी उसके लिए खिलाते हैं, हमारे इधर आते हैं, पैर आते हैं, सफरजन आते हैं, वो भी खिलाया है। डॉक्टर को भी बहुत बुलाया, कमज़ोर ज़्यादा हो गई है, यानी कमज़ोर ज़्यादा हो गई है कि 10 दिन से खड़ी नहीं हो रही थी पैरों पे, आज खड़ी हो गई है। मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना से ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि इस पैर में से रस्सी निकल रही थी, यहाँ से ये फुटा हुआ है, निकल गया है सब, यानी कि रस्सी निकल रही थी। तो आज नाइट में सुबह 5 बजे इसको खड़ी किया था, तो ये 5 बजे से 1-1.5 घंटा इसको खड़ी रखी और बाद में पिंजरा से हटा ली है, तो ये चल रही है। दूसरी गाय है ना, हाँ, ये तंग कर रही है क्योंकि बूढ़ी है, बुजुर्ग हो गई है, झीणू मगोटो थोड़ू भरे, झीणू है, झीणू झीणू पांदड़ा ले जाए, पानी पिया तू घर वालू पानी है पिया, तो थोड़ूक मगोटू ले घर वालू ओलू ओला नाख दिया साजी ना फूल, तो बढ़िया हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगी है, तो कम से कम 20 साल के आसपास की, पर ये काकरेज खड़ी हो सकती है ऐसी परिस्थिति में, दूसरी कोई गाय खड़ी नहीं हो सकती। कि मेरे हिसाब से ये 10-12 दिन से तो उसका पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, और खड़ी रहती भी नहीं थी, बैठ जाती थी, गिर जाती थी, लेकिन आज वापस खड़ी हो गई है और बीमार तो 2 मंथ से है ये, तो बढ़िया हो जाएगा। अभी भी बहुत बड़ा तंदुरुस्त नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी होगी और भगवान की सहाय से ये खड़ी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये 2-3 साल घर पे ऐसी खड़ी रहेगी ना तो भी हमारी इज्जत है, यानी कि हमारी इज्जत है बहुत बड़ी है। ऐसी गाय भी नहीं, उसकी बेटियाँ भी इतनी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी इससे भी बड़ी लगती है उसकी बेटियों भी। हमारे पास तो छोटी है उसकी बच्ची, अभी आई थी वो, एक बछड़ा भी है उसका। ये खाना भी खा रही है, और ऐसी गाय काकरेज जैसी दुनिया में कोई पास नहीं होती है कि 20 साल की उम्र है और 2 मंथ से बीमार है तो भी ये खाना खा रही है। आज मेरे हिसाब से 10-12 दिन से ये पिंजरे से ही उठा के उसको खड़ी करते थे और खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन आज पिंजरे से खड़ी कर दिया तो ये पैंडल चलने लगी है, और पैर पहले तो ज़मीन पे उसका रहता ही नहीं था, आगे वाला पीछे वाला, लेकिन आज नाइट में 5 बजे ही उसको हमने सो गई थी, तो हमारे को लगा था ये बचने वाली नहीं है, लेकिन नाइट में 5 बजे उसको ये पिंजरा लगा के उठाया और खड़ी किया, सुबह तक खड़ी रही 7 बजे तक, और 7 बजे से उसको खुला कर दिया, पिंजरा से निकाल लिया और उसका पट्टा भी सब निकाल लिया था, तो ये खड़ी हो के उसका पैरों पे खड़ी हो गई है। ये तो काकरेज में ऐसी ताकत होती है, कोई गाय 20 साल की नहीं खड़ी होती, क्योंकि 100 साल का बुजुर्ग खड़ा हो जाता है ना, इतनी 20 साल की गाय की आयु होती है, ज़्यादातर गाय और नंदी 25 साल ही जिंदा रहते हैं, उससे साल ज़्यादा तो कोई कोई गाय और नंदी महाराज जिंदा रहते हैं, तो हमने इन 12 बार मुँह कर दे तपे जाए, 12 बार मुँह कर तपे जाए,
तो ये खड़ी हो गई है वापस, तो ये चमत्कार से भी कम नहीं है कि ये काकरेज ही खड़ी हो जाती है। ये हमारे डॉक्टर इधर बोल के गया था कि ये अब खड़ी नहीं होगी, ये डॉक्टरों को भी सोचने में मजबूर कर देती है हमारी बुरी, ये मजबूर कर दी। एक बार भी डॉक्टर बोल के गया था ये बचने वाली नहीं है, तब तो गाभिन थी, उसके बाद तो उसने बच्चा दिया और हमारे तूफान को भी बड़ा किया है, तूफान को ही दूध पिलाया है इसने। दिन में 12 बजे और नाइट में 12 बजे हमेशा, हमारे एक राजू भाई घोड़ा का काम करने वाला था, वो निकालता था इसका दूध, तो नाइट में इसको बछड़ा को भी पिलाती थी और हमारे तूफान को भी पिलाती थी। ये चमत्कार से कम नहीं है, तो बढ़िया काम हुआ है। ये आप सबकी दुआएं हैं, इसको सब्सक्राइब करना, थोड़ा शेयर करना कि काकरेज की कितनी ताकत होती है दुनिया को मालूम पड़ेगा। ये बहुत बुजुर्ग गाय है, हमने हमारे से हो सकती है इतनी सेवा तो की है डॉक्टरों से, हमारे से जो भी खाना खाएगी वो भी खिलाते थे, और आप सबका आशीर्वाद से ये खड़ी तो हो गई है और मेरे हिसाब से तंदुरुस्त भी हो जाएगी, यानी कि बढ़िया हट्टी कट्टी भी बना लेंगे उसको 2-3 महीना में, इतना तो टाइम लगेगा। दूसरी कोई गाय होगी तो ऐसी नहीं हो सकती, ये खड़ी भी नहीं हो सकती, ये खाना भी खा रही है देखो।